सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में मलाई से मक्खन कैसे बनाती हूँ और फिर मक्खन से घी कैसे निकालती हूँ। चलिए देख लेते हैं मलाई से मक्खन बनाने के लिए मैं किन किन चीजों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने ली है मलाई, ये 7 दिनों की मलाई है। मैं मलाई को हमेशा इसी बोल में स्टोर करती हूँ और ये बोल रखती हूँ फ्रिज के अंदर, फ्रीजर में मैं स्टोर नहीं करती। कुछ आइस क्यूब्स और 2 बोल चिल्ड वाटर। चलिए सबसे पहले हम इस मलाई को ट्रांसफर करेंगे ग्राइंडर जार में। यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्राइंडर जार, इसमें मैं डाल दूंगी ये पूरी मलाई। बहुत से लोग फ्रीजर में स्टोर करते हैं, बट दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप फ्रिज में ही स्टोर करें। और जब भी मलाई से मक्खन बनाना हो तो मलाई को 1 घंटा या 2 घंटा पहले फ्रिज से बाहर निकाल दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए और आप आसानी से मक्खन निकाल पाए। यहाँ पे मैंने मलाई को डाल दिया है ग्राइंडर जार में। अब मैं इसे बिना कुछ डाले, यानी कि मैं इसमें अभी कुछ भी नहीं डाल रही, इसे इसी तरीके से 2 मिनट के लिए बीट करूंगी जिससे कि ये थोड़ी सी स्मूद हो सके। अभी मैंने यहाँ पे इस स्टेज पे इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। 2 मिनट हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी गर्म पानी। यहाँ पे मैंने आधी छोटी कटोरी यहाँ पे गर्म पानी डाला है क्योंकि अभी विंटर सीजन चल रहा है, लेकिन अगर आप समर में मलाई से मक्खन निकाल रहे हो तो यहाँ पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर आधा कटोरी पानी डालें। और इसे अब हम फिर से 5 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि मलाई अच्छे से स्मूद हो सके। पहले 2-3 मिनट मैंने लो स्पीड पे बीट किया, अब मैंने स्पीड को किया है मीडियम। इसी तरीके से मैंने इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से बीट किया है। आप देख सकते हैं मलाई स्मूद हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ठंडा पानी, ये फ्रिज का ठंडा पानी है। 1 बड़ी कटोरी मैंने यहाँ पे फ्रिज का ठंडा पानी डाला, साथ ही कुछ आइस क्यूब्स डालूंगी। तकरीबन 8 से 10 आइस क्यूब्स मैं इसमें ऐड करूंगी। अब हम इसे वापस से बीट करेंगे 2-3 मिनट के लिए लो स्पीड पे, फिर 2 से 4 मिनट के लिए मीडियम स्पीड पे। ये देखिए मैं इसे लो स्पीड पे पहले बीट कर रही हूँ, अब मैंने स्पीड को किया मीडियम। अब मीडियम स्पीड पे मैं इसे 2-4 मिनट के लिए और बीट करूंगी। टोटल 5 से 7 मिनट तक इसे बीट करने के बाद आप देख सकते हैं मलाई से मक्खन सेपरेट हो गया है। जब मलाई से मक्खन सेपरेट हो जाता है तो पानी इस तरीके से अलग हो जाता है और जो हमारी मलाई होती है, जो मक्खन बन गई होती है, वो किनारों में इस तरीके से इकट्ठा हो जाती है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे 1 बड़े बोल में। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा चम्मच लिया है। इस तरीके से पानी नहीं निकालेंगे, सिर्फ मक्खन को दूसरे बोल में शिफ्ट करेंगे इस तरीके से। बहुत से लोग दोस्तों ये पानी यूज करते हैं, इसमें नमक और काली मिर्च डाल के इसे मट्ठे की तरह पीते हैं या फिर इसे ढोकले इडली के बैटर में यूज करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये पानी किसी भी तरीके से खाने में यूज ना करें, क्योंकि दोस्तों ये फ्रेश मलाई तो है नहीं, ये 8 से 10 दिन की मलाई है। हम हमेशा जब भी मलाई से मक्खन निकालते हैं तो कम से कम 8 से 10 दिन की मलाई तो होती ही है, तो ये मलाई ताज़ी तो है नहीं। तो इसीलिए मैं इससे पानी को यूज़ करना प्रेफर नहीं करती। अगर आप करते हो इस पानी को यूज़ तो ये आपकी मर्जी, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये पानी यूज़ ना करें, इसे फेंक दिया करें। इस तरीके से मैं पूरे मक्खन को इस बड़े बोल में निकाल लूंगी। इसे हम छान लेते हैं ताकि जो भी मक्खन इस बोल ग्राइंडर जार में बचा है वो स्ट्रेनर में इकट्ठा हो जाए। दोस्तों मलाई से मक्खन निकालने में कोई खास ट्रिक नहीं होती है। जब भी आप मलाई से मक्खन निकालेंगे पहले मलाई को फ्रिज से 1-2 घंटे पहले बाहर निकाल दें ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए। इसके बाद इसे डालें ग्राइंडर जार में और इसे 2-4 मिनट के लिए बीट करें बिना कुछ डाले ताकि वो थोड़ी स्मूद हो सके। उसके बाद इसमें 1/2 कटोरी पानी डालें। अगर आप गर्मियों के सीजन में निकाल रहे हैं तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी यूज करेंगे, और अगर आप सर्दियों के सीजन में मलाई से मक्खन निकाल रहे हैं तो उस समय आप 1/2 कटोरी गर्म पानी यूज करेंगे और मलाई को बीट करेंगे जब तक कि वो स्मूद ना हो जाए। फिर उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे फ्रिज का ठंडा पानी और कुछ आइस क्यूब्स डाल के इसे 5-7 मिनट के लिए बीट किया, उसी तरीके से आप इसे गर्मी और सर्दियों दोनों सीजन में करेंगे तो मलाई से मक्खन सेपरेट हो जाएगा इस तरीके से। बिल्कुल अच्छे से हम पूरे मक्खन को ग्राइंडर जार में से निकाल लेंगे इस तरीके से चम्मच से। आप चाहें तो अपनी उंगलियों से भी इसे निकाल सकते हो इस तरीके से। अब हम इस मक्खन को धोएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डाल दूंगी ठंडा पानी। यहाँ पे मैंने ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी ही इसमें डाला है, कोई फ्रिज का ठंडा पानी नहीं डाला है, ये रूम टेम्परेचर पानी मैंने यहाँ पे इसमें डाला है। और इसे हम बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से अपने हाथों से धोएंगे। तो ऐसा करने से मक्खन खुद ब खुद आपस में इकट्ठा होता जाएगा। और दूसरा, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है घी में, क्योंकि घी में काफ़ी स्मेल आती है, तो इस तरीके से जब आप मक्खन को अच्छे से धो करके घी निकालते हो तो आपके जो घी निकलेगा उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इसी तरीके से मैं मक्खन को बिल्कुल अच्छे से हमेशा धो करके उसके बाद ही घी निकालती हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं
सारा मक्खन आपस में अच्छे से इकट्ठा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसे दो पार्ट में डिवाइड करूँगी और इसे पैन में शिफ्ट कर दूँगी। जिस पैन में भी आप मक्खन से घी बनाना चाहते हो उस पैन में इसे शिफ्ट कर दें। इस तरीके से मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ और इसे अच्छे से अपने हाथों से दबा के इसमें जो एक्सेस वाटर है वो निकाल दूँगी। ये देखिए, जो भी इसमें पानी था वो मैंने निकाल दिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरा पार्ट इसका लिया है और इसे भी हम अच्छे से दबा के इसका पानी निकाल देंगे। ये देखिए, जो भी थोड़ा बहुत मक्खन हमारे हाथों में लगा हुआ है और इस बोल में लगा हुआ है सब हम एक साथ इकट्ठा करेंगे और उसे भी इस पैन में डाल देंगे। ये देखिए, मक्खन हमेशा पानी में ऊपर फ्लोट करने लगता है तो आपको इसे निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे आसानी से निकाल सकते हो तो आपका बिल्कुल भी मक्खन वेस्ट नहीं होगा। चलिए अब हम इससे घी बनाएंगे। तो यहाँ पे पैन को मैंने रख दिया है फ्लेम पे। पहले हम 2 से 4 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं 7 दिनों की मलाई से यहाँ पे कितना ज़्यादा मक्खन निकला है। इसे मैं 2-4 मिनट के लिए इसी तरीके से हाई फ्लेम पे पहले पकाऊंगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, बस आपको इसे कुछ भी नहीं करना, इस तरीके से चलाते हुए पकाना है, ये खुद ब खुद मेल्ट होता जाएगा। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो फ्लेम को मैंने किया है मीडियम हाई। अब मीडियम हाई फ्लेम पे ही हमें घी बनाना है, तो इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक इसे घी सेपरेट ना हो जाए और बीच बीच में इसे चलाते रहना है। इसे आपको छोड़ना नहीं है, हर 1 से 2 मिनट के बाद आप इसे चलाएं ज़रूर, नहीं तो ये बर्तन के तले में चिपक जाता है। ये देखिए दोस्तों, 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें से घी सेपरेट हो रहा है। तो अब फ्लेम को मैंने लो किया है और इसे हम और 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये जो नीचे का इसमें मटेरियल है वो गोल्डनिश कलर में ना आ जाए। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे चलाते हुए और 5 मिनट के लिए पकाया है। आप देख सकते हैं जो भी इसका नीचे का मटेरियल है वो गोल्डन कलर का हो चुका है। तो इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। जब ये इस तरीके से गोल्डन हो जाएगा आप फ्लेम को ऑफ कर दें, क्योंकि घी काफ़ी देर गर्म रहता है तो ये अभी इसमें और पकेगा। दोस्तों 5-7 मिनट हो चुका है, घी अब थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब मैं इसे छान लूँगी। यहाँ पर मैंने लिए स्टील की स्ट्रेनर और ये बोल। घी को छानने के लिए हमेशा आप स्टील की स्ट्रेनर का ही यूज़ करें क्योंकि घी काफ़ी ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। तो अगर आप प्लास्टिक की चन्नी में इसे छानेंगे तो आपकी चन्नी जल सकती है, इसीलिए जब भी आप घी छानें तो इस तरीके से स्टील की स्ट्रेनर में ही छानें। ये देखिए, घी को मैंने छान लिया है, ये बोल फुल हो चुका है लेकिन अभी भी घी बचा है। तो मैं क्या करूँगी, एक दूसरा बोल ले लूँगी और उसमें बचे हुए घी को छान लूँगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये बोल पूरा फुल हो गया है, तो मैं एक दूसरा बोल लूँगी और उसमें बचे हुए घी को छान लूँगी। यहाँ पे मैंने ये दूसरा बोल भी ले लिया, अब मैं इसमें डाल दूंगी ये बचा हुआ घी। साथ ही जो ये मटेरियल है इसे भी हम चन्नी में शिफ्ट कर देंगे। धीरे धीरे चम्मच की सहायता से आप इसे अच्छे से चन्नी में डाल दें। इसे मैं चम्मच से थोड़ा सा दबाऊंगी ताकि जो इसमें घी है वो नीचे वाले बोल में आ जाए। आप देख सकते हैं ये जो मटेरियल है इसका कलर अब डार्क हो चुका है, क्योंकि हमने इसे लाइट गोल्डन कलर पे बंद किया था लेकिन घी काफ़ी देर गर्म होने की वजह से इसमें पकता रहता है तो ये खुद ब खुद डार्क हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी आप इसे ज़्यादा डार्क पका के फिर बंद ना करें, नहीं तो आपका घी जल जाएगा। इस तरीके से मैंने इसे दबाते हुए इसमें से घी निकाल लिया। अब ये बचे हुए मटेरियल को मैं वापस से पैन में शिफ्ट कर दूंगी। बचे हुए मटेरियल को मैंने डाल दिया है पैन में और इसमें डाल दूंगी ठंडा पानी, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी लिया है और इसे इसमें डाल रही हूँ। इस पानी को हम अच्छे से गर्म करेंगे और छान के फिर इस पानी से हम पूड़ी या पराठे का आटा लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी घी रहता है तो जो हमारे पूड़ी पराठे बनेंगे वो काफ़ी खस्ता बनेंगे और उनका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। इस तरीके से बस हम इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म करेंगे। 2-4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये पानी अच्छे से गर्म हो गया है और इसके ऊपर घी की लेयर सी आ गई है। तो बस अब हमें इसे कुछ भी नहीं करना, इसे मैं छान लूँगी और छान के थोड़ा ठंडा होने के बाद इससे हम पूड़ी या पराठे का आटा लगाएंगे। तो दोस्तों मैं ये पानी हमेशा यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, लेकिन जो पहले वाला पानी होता है तो उस पानी को मैं यूज़ नहीं करती। बहुत से लोग उसे मट्ठा बना के पीते हैं बट मैं वो यूज़ करना प्रेफर नहीं करती। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये पानी यूज़ करें। आप देख सकते हैं नीचे वाले पानी में आपको साफ ऊपर घी की लेयर नज़र आ रही होगी। तो जब आप पूड़ी पराठे का आटा लगाएंगे तो आपके पूड़ी पराठे बनेंगे काफ़ी टेस्टी। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है।
मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।